दोस्तों नमस्कार, आज फिर से हम लेंगड़ों के लिए जाते हैं। लेंगड़ा लाएंगे आज फिर से, तो चलो देखते हैं कितने लेंगड़े मिलते हैं आज। और मेरे साथ नीतू बजवाल। हेलो। हाँ नीतू बजवाल, मिलेंगे हम लोगों को लेंगड़ा आज मिलेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं चलो। और फिर यहाँ से डाउन जाएंगे हम यहाँ से, और मेरी उंगली पर तो चोट भी लग रखी है दोस्तों, यार क्या कर रहा है ये देखो। लेकिन फिर भी चलो आओ, क्योंकि हम यहाँ से नीचे आएंगे हम लोग नीचे और में। और यहाँ भी यहाँ सांप भी होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े। हाँ तो चलो ठीक है नीतू, मिलते हैं लेंगड़े के जंगल में लोगों को फिर से, है ना। हाँ लॉकडाउन में लेंगड़े का आनंद लेना पड़ेगा। हम तो बोले कि भूमि के हैं, लॉकडाउन लगे चाहे कॉकडाउन लगे टेंशन नहीं लेते हैं, है ना। चलो तो चलते फिर, है ना नीतू ना, फिर मिलेंगे। ब्रेक के विषैले होते हैं ये, कैंसर दायक होते हैं सब। अगर आपको विश्वास नहीं आता गूगल पे सर्च कर लेना, फिर इस टाइप की लंगड़े कभी ना खाएं मेरे दोस्त, इनको ना खाएं कभी और न निकालें कभी, ठीक है। ये विषैली प्रजाति के हैं, जंगल और इधर हमारा गांव। और लंगड़ा मारती मेरे साथ नीचे है, और जैसे आप देख रहे होंगे लंगड़े की पैकिंग हो चुकी है। अब तो मैं ज़्यादा में वो कम कर गया बस ये। तो दोस्तों चला, ये लंगड़े हैं चला, और यशवंत नेगी जी। यशवंत नेगी कितनी बीत रहे लंगड़े निकालने में? काफ़ी कष्ट हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैं लंगड़े के लिए आया हूँ, ये मेरे को बहुत ही कष्ट हो रहा है आज। हमारे साथ यशवंत नेगी जी है, गढ़वाल रे फल से हैं, और आप बता दें कौन से गढ़वाल रे फल से आप हमारे साथ? 18 साल बाद मैं ये काम कर रहा हूँ लेवड़े वाला। तो आप कौन से गढ़वाल रे फल से? यशवंत नेगी गढ़वाल। अच्छा पर चलो ठीक है, नैन गढ़वाल से आजकल छुट्टी पे हैं कोरोना के दौरान यशवंत सिंह नेगी जी। और हम मेरे साथ यहाँ पर हैं हमारे नीतू बजवाल जी। और नीतू बजवाल जी कैसी बीत रही है? अच्छा देखते हैं आगे कितने मिलते हैं। अच्छा तो हो गए मेरे पास। अच्छा जो बराबर जो होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों, यार पहले ये छोटे होते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं और लंबे हो सकते हैं। पहले इतने पहले वाला का अब इतने तोड़ चुके हैं नीतू बजवाल रड़ी घर के लिए, और बहुत सारे हो चुके हैं ना। चलो तो चले चलो लेट्स गो। तो दोस्तों जूतों के तो दोस्तों लगभग लंगड़े पूरे पसीना से लर तर जंगल के बीच। छोटा आ जा। और तो मेरे साथ दो बंदे और थे जंगल में आए मेरे साथ। यहाँ पर से संभल के जाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये चट्टान ऐसा है दोस्तों, ये भी जहाँ पर से मैं गुजर रहा हूँ देखो आप सीधे ही गुजरोगे नीचे। यहाँ से यशवंत साल बाद वैसे कष्ट भी हुआ लेकिन मज़ा भी आया है, काफ़ी मज़ा लेते हुए चाचू के साथ। और दोस्तों अगर आप लोगों को लंगड़े की सब्जी खानी है तो आप लॉकडाउन में किसी तरीके से पहुँचो, यहाँ आपको लंगड़े की सब्जी खिलाई जाएगी। टाइम पास भी हो गया है और सब्जी भी तैयार हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा बेटा है यशवंत सिंह, मेरे भतीजे हैं, और पीछे से प्रमोद बजवाल, और आगे से चल रहे मेरे साथ नीतू बजवाल। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम थोड़ी देर बाद अपलोड करना चाहेंगे, और आपको अपना पहाड़ी जीवन चैनल में ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जो मेरा अपना चैनल है। और एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में इस टाइप का पाइप मिले तो समझ लो ड्राइव लगेगा, जंगल में पड़ा है ड्राइव लगा दोस्तों, हमने सोचा साफ है, लेकिन थोड़ा डरावना भी सीन था इसका। अब देख सकते हैं आपको कैमरे में दिख रहा होगा ये,
तो कितना खतरनाक लग रहा है आप देखो, तो डर गए थे एक बार हम दूर से देखकर, क्योंकि यहाँ सांप बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ जिस जगह पे हमें इलाके के बड़े बड़े सांप होते हैं यहाँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। मास्क मैंने अभी बोलने के लिए निकाला क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आती है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर गाँव की ओर, है ना। मिलते हैं आपको फिर से, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप अपना ध्यान रखें, हम इधर व्यस्त हैं पहाड़ों में, थोड़ा सा लॉकडाउन होने पर भी थोड़ा हमें जंगलों की ओर जाने का मौका मिल जाता है, और जंगलों से फिर सब्जियों का दोहन भी करके ले आते हैं हम लोग। ये बढ़ जाओ तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, और कल अपना घर का पगार लगाने गया था और ये उंगली ऐसी उंगली की हालत है दोस्तों, इसलिए आज पगार लगाने नहीं गया। तो फिर ठीक होने के बाद फिर पगार लगाने भी जाना है। लॉकडाउन में थोड़ा बहुत वर्जिश करनी पड़ेगी, आपको पता है, थोड़ा बहुत सिम्टम आ भी जाएंगे हम लोगों में, तो वर्जिश के कारण आपको पता है पता नहीं चलता है। तो मेरे साथ नीतू आ रहे हैं यहाँ पर, और तो दोनों बंदा आप समझते होंगे कि कहाँ निकले होंगे, है ना, कहीं धुआं दूर दिखाई देगा तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो जंगल में आग लगाने नहीं, अपने झुकड़ी पे आग लगाने की दोनों की दोनों। तो नीचे मेरे गांव की गंगाल, आकाश कामनी नदी, है ना दोस्तों, ये हमारा वो सारा गांव का ताला छोटा सा स्थान। और नीतू नहीं हुआ करते थे, इस साल मेरे साथ नीतू भी हैं और हम दोनों पहुंचे हैं लेगना के लिए। और नीतू का घर बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्या होगा, और नीतू के घर के नीचे ठीक आकाश कामनी नदी, और घर के ऊपर ठीक जानकाड़ी जी की रोड, इधर से देवताल ऊपर वाले देवताल मार्ग, नीचे से उखीवट केदारनाथ मार्ग, इधर से आता नीतू के घर के और बद्रीनाथ मार्ग। तो नीतू का घर अच्छी पोजीशन में है अभी उसाड़ा गांव में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। और मेरे साथ देख रहे होंगे प्रमोद और यशवंत भी पहुंच चुके हैं, और चलो चलते हैं गांव की ओर अब अपने लिंगड़े ले जाकर। और मेरे जो लिंगड़े अभी नीतू के हाथ में होंगे शायद, क्योंकि ऐसा कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने पर लगा हूँ, इसलिए थोड़ा सा है ना हेल्प चाहिए होती है। और ये गांव वालों को बोले नहीं, ये प्रकृति ने करी है ये बुरी हालत जो ये दिख रही है, ये गांव वालों ने नहीं करी है, ये बोलते रहते हैं बच्चे लोग हैं। और अब यहाँ से हमारे गांव के खेत दिख रहे हैं, इधर आपको दिखा रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे गांव की ओर पहुँच जाएंगे हम। और जिस जगह पर अभी हम गुजर रहे हैं, कभी यहाँ पर बहुत गंदा हुआ करता था, सभी गाँव वाले लेटिन इधर ही आते थे, लेकिन आज की डेट में लेकिन कूड़ा काफ़ी फेंक लेते गांव वाले इधर। तो दोस्तों एक लिंगड़ा ये है, ये और यहाँ पर भी लिंगड़े हैं कुछ, ये भी हैं लिंगड़े, ये देखो लिंगड़ों की भरमार। तो यशवंत सिंह नेगी जी, आप संतुष्ट हैं अपने लिंगड़ों से? संतुष्टि तो ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत है। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं तो होना चाहिए, हाँ। दिन ले जाना है। ठीक ठीक है, और जिसको किसी और को चाहिए होगा तो वो भी ले, तो उसको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, गौशालाएँ शुरू हो गई मेरे गाँव की देखो, और इसके बाद हम गाँव में पहुँचने वाले हैं, कुछ बैल गांव के, और ये मेरा गांव। तो तड़के में हरे लहसुन की पत्तियां पड़ती थी इस साल, लेकिन जो ओले गिरे हैं उन्होंने काफ़ी तोड़े हैं। ये हमारा प्लांट है लहसुन का। तो घर की ओर पहुंचते हुए सभी युवा, और
अब ये संत के घर के नज़दीक और हमारा चैनल धीरे धीरे अपना वीडियो समाप्त की ओर और गांव के बीच और ये भी घर से फोन आ रहा है इनको भी लग रहे थे एक बोलो तो ठीक है तो दोस्तों तो दोस्तों मेरे लिंगड़े हैं और मैं अपने गांव के बीच और यहाँ भाभी जी भी चिलोलिया लाती हुई ये हमारी भाभी है गांव की थी भाभी है ना भाभी जी बिल्कुल मिलेगा आपको भी तो दोस्तों ठीक है दोस्तों तो चलता है ये मेरा दोस्त मित्र जीतू का मकान ओहो दी लगा तुम कर दो ठीक है बढ़िया तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये काम काम और यहाँ पे ये प्याजवाड़ा है प्याज की खेती है मेरे गांव के लोगों की और अनु बजवाल है हमारा मित्र यूट्यूब चैनल में बहुत बार दिखाए मैंने आपको उनके ही प्याज के खेत तो अब मैं गांव में पहुंच चुका हूँ इधर गेहूं की खेती और इधर ये लहसुन की खेती फिर से यहाँ पे दोबारा दिखाऊंगा ये गांव के कालू है हमारे बेटा उनका मकान और यहाँ का कुछ फ्लावर दिखाऊंगा यहाँ पे क्लास फूल के रखे हैं घर के बच्चे से यहाँ पर मम हमारा इंतजार कर रही है लंगड़ा लाने पर टीका लगा जी जान टीका ले लो तुम क्या तुम ऑनलाइन जो करो तुम टीका चले जा अच्छा अच्छा सर मैं सुन पैदा ऐसे वो लगना था नहीं लगन दे रहा जी हैं ये लिस्ट से कर अच्छा कब तक लगना हैं चलो ये गेहूं कूटने के बाद गेहूं तैयार धनिया तैयार ये बस हां तुम लगे इतनी का दे रहा सिंह तीखा लगना नहीं आ तुम दे रहा देना चाहते तो अरे कुछ नहीं उन भगवान का सुन ये प्रियांशी है अपने गेहूं कूट रही है प्रियांशी प्रियांशी ये कब तक हो पूरा कब तक हो पूरा तेरे ये गेहूं अच्छा ये प्रियांशी वो है कि इसका सगाई का वीडियो हमने KMTR के चैनल में डाल रखा है वो प्रियांशी है चलो ठीक है ये आरुष है पटरी डाल ना अच्छा ये बोल रहे हैं कि मैंने मास्क नहीं पहन रखा है और हमने सोचा पटवारी आ रहा है डर रहे थे ठीक है लगा ली ठीक बढ़िया अच्छा अब लोग लगे काम पे देखो ये सतवीर वाली बिल्कुल इतने अच्छी तरह पैक हो रखे हैं अपना काम भी कर रहे हैं घर में और पैक भी है ढंग से है ना बिल्कुल 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 और अभी तो घर आते हैं घर खाना खाना आज जो भी है कि अभी यशवंत नेगी जी बोल रहे थे कि लंगड़े उतने निकालो कि जितने तो मैं जरूरत हो अदरवाइज कुछ और लोग भी आएंगे लंगड़े निकालने के लिए है जी नहीं तुझे सही बोल रहे क्योंकि उतने निकालने चाहिए जितने हमें आज जरूरत है क्योंकि प्रकृति का भंडार बहुत बड़ा है उसको खाली करना जरूरी नहीं है जरूरत किससे ज़्यादा ले जाना भी ठीक नहीं होता कोई चीज़ है ना नीतू जी तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर से आप लोगों को किसी और ब्लॉक में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड